यूसी बनवाने के लिए लोगों को करना पड़ रहा है इंतजार। कई जगह सर्वर डाउन होने से लोगों को हो रही है परेशानी। पीयूसी के लिए लोग काट रहे हैं सेंटरों के चक्कर। ईडीएमसी के स्पेशल सेशन में नहीं मिली आप पार्षदों को एंट्री। हंगामे के कारण सदन से हुए थे निष्कासित। मेन गेट पर ताला, बैकडोर से गए पार्षद। दिल्ली दंगे के दो आरोपियों को नहीं मिली कोर्ट से राहत। दोनों आरोपियों को भगोड़ा घोषित करने का नोटिस बरकरार। हेड कांस्टेबल सत्यपाल की शिकायत पर दर्ज हुआ था मुकदमा। नवरात्र के कारण वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी। वैक्सीनेशन सेंटर्स में वैक्सीन की किल्लत नहीं। डॉक्टर्स का कहना, नवरात्र के बाद फिर से आएगी तेजी। श्री बालाजी रामलीला कमेटी ने सीबीडी ग्राउंड में किया भूमि पूजन। आयोजकों का कहना, पूरे एहतियात के साथ होगी रामलीला। कोरोना नियमों के अनुसार दर्शकों के बैठने की व्यवस्था। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण खबरों पर। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के शुक्रवार को हुए स्पेशल सेशन में डेंगू के बारे में दिल्ली सरकार के विज्ञापन और प्रचार को निशाने पर लिया गया। दिल्ली सरकार डेंगू पर कंट्रोल के लिए 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट अभियान चला रही है और दावा किया जा रहा है कि इसी कारण डेंगू के मरीज कम आ रहे हैं। सदन की मीटिंग में दिल्ली सरकार के इस दावे को झूठा बताया गया। बीजेपी के सभी पार्षदों ने कहा कि नगर निगम के डीबीसी कर्मचारी बहुत मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। वे डोर टू डोर जाकर दवाइयां छिड़क रहे हैं, ब्रीडिंग चेक कर रहे हैं और सर्वे कर रहे हैं। इसी कारण डेंगू पर काबू पाया जा सकता है। दिल्ली सरकार ने तो इन कर्मचारियों की सैलरी को भी रोका हुआ है। मीटिंग में इन कर्मचारियों की सैलरी के साथ साथ उन्हें स्थायी करने की भी मांग की गई। पूर्वी दिल्ली नगर निगम की 27 सितंबर को हुई मीटिंग में आम आदमी पार्टी के कई निगम पार्षदों को 15 दिन के लिए सस्पेंड किया गया था। इन पार्षदों को शुक्रवार को भी मीटिंग में एंट्री नहीं दी गई। आपके ये पार्षद मीटिंग हॉल के बाहर पोस्टर लेकर बैठे थे और नारेबाजी कर रहे थे। इन पार्षदों के हंगामे की आशंका को देखते हुए मेन गेट को बंद कर दिया गया और सभी पार्षदों को अफसरों ने दूसरी गेट से एंट्री दी गई। हालांकि नेता विपक्ष मनोज त्यागी ने यह दावा किया है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें एंट्री देने का आदेश दिया है, लेकिन मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल ने कहा है कि निगम के पास कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं आया है। क्या ऑर्डर है मैं देखूंगा, क्योंकि अब तो सदन हो चुका और हमने तो उनको 15 दिन के निकाला है। अगर सदन जब भी होगा उनको अनुमति है, लेकिन उनको अनुशासन का पालन करना होगा। उनको हुड़दंगबाजी नहीं करनी होगी, तोड़फोड़ नहीं करनी होगी। यदि उन्होंने ऐसा किया तो हमें फिर कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया पर बहस हुई है, अब बहुत अच्छी साथ नई बातें निकल के आई हैं। हमारे पार्षदों ने चिंता व्यक्त की है कि मशीनें क्या मशीनों को बढ़ाया जाए। अब हमने एक अपना पत्र भेजा अंदर के आदरणीय महापौर महोदय, हमें जो है हाईकोर्ट ने आदेश कर दिया है हाउस अटेंड करने का, आपसे निवेदन है कि हमें हाउस अटेंड करने दिया जाए। तो उन्होंने ना तो उस पत्र को रिसीव किया, साथ में एक प्रश्न लगा दिया कि आप इस पर लिख करके भेजिए कि हम शांतिपूर्ण तरीके से अंदर जो है सदन में बैठेंगे। जो तरीका सदन के अंदर बैठने का होता है, जो तरीका सदन में बोलने का होता है जनता की बात को, तो शांतिपूर्ण तरीके से ही संवैधानिक सिस्टम चलता है, वो हम रखते। जब माननीय हाई कोर्ट ने आदेश किया था, अगला स्टेप क्या होगा? निश्चित तौर पर मेयर साहब ने जिस तरीके से कोर्ट के आदेशों की अवमानना करी है, उसके खिलाफ कोर्ट में जाएंगे। वाहनों के लिए प्रदूषण प्रमाण पत्र पर सख्ती के बाद लोगों की संख्या में दिन ब दिन बढ़ोतरी हो रही है। पीयूसी बनवाने के लिए लोगों की लंबी लाइन लग रही है। पीयूसी सेंटर्स पर लोग सुबह से ही पहुंच रहे हैं ताकि जल्द से जल्द उनका प्रदूषण प्रमाण पत्र बन जाए। वहीं पीयूसी इंचार्ज का कहना है कि दिन में कई बार सर्वर डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है। वहीं जब हमारी संवाददाता सोनिया शर्मा ने आनंद विहार पीयूसी सेंटर्स का जायजा लिया तो देखा कि यहाँ भी लोगों की लंबी लाइन लगी हुई है। लोगों ने बातचीत में बताया कि जिनका प्रदूषण प्रमाण पत्र खत्म होने वाला है, उनको ट्रैफिक पुलिस के द्वारा मैसेज भेजा जा रहा है कि समय रहते वो अपना पीयूसी बनवा लें, इसलिए लोगों की तादाद पहले से काफी बढ़ गई है। वैसे दिक्कत आ रही है, जो मैसेज आ रहे हैं उनकी वजह से पब्लिक जो है परेशान हो रही है और वो सेंटर में जा रही है, और अगर सर्वर सही चले तो काम जल्दी हो जाए, और ट्रांसपोर्ट की दिक्कत की वजह से हम काम नहीं प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। चेकिंग हर जगह हो रही है, मतलब एक गाड़ी में जहाँ दो या तीन मिनट लगते थे वहाँ 15 से 20 मिनट लग रहे हैं गाड़ी में। सबसे बड़ी परेशानी ये है कि अचानक ही डाले और एकदम रश हो गया। किसने डाला, क्या
ये SMS डालें सबको कि आपकी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने आपकी एक्सपायर हो गई है, अगर आप पोल्यूशन चेक नहीं कराएंगे आपको 10,000 का फाइन देना पड़ेगा। एक ने तो बोला सर्वर डाउन है, उस बहुत ही एक एक गाड़ी पे कम से कम 35-40 मिनट लग रहे हैं, सर्वर काम नहीं कर रहा है, मशीन काम नहीं चल कर रही है, हमारी पाइपलाइन खराब हो गई है, इस तरह के जवाब। इनके पोल्यूशन बूथ के ऊपर कोई ऐसा नंबर इशू नहीं है जिससे आदमी कंफर्मेशन कर सके ये सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। इसका पोल्यूशन खत्म हो रहा है, पोल्यूशन कोई करके राजी नहीं हो रहा है। माहौल मैम सुबह से मैंने देखा हूँ, कल मैं छुट्टी पे था, कल तो मैं था नहीं, लेकिन आज सुबह से आया हूँ 8 बजे से देख रहा हूँ, तो ये गाड़ी 15 से 20 मिनट ले रही है, दो दो तीन तीन बार OTP भी आ रहा है, डालना पड़ रहा है, क्योंकि गाड़ी ओके नहीं होती तो फिर दोबारा भर के बनाना पड़ता है। वो मैम परेशान ये भी हैं सुबह से, अब हम भी लग रहे हैं तो हमें भी दो दो तीन तीन बार गाड़ी भर के बनानी पड़ रही है, तो परेशान तो हम भी हो रहे हैं, जब एक बार में 2 मिनट में 5 मिनट में काम हो जाता था, अब एक गाड़ी 15 से 20 मिनट 25 मिनट कर रही है। और हमेशा से हमारी गाड़ी पॉल्यूशन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग जब भी पॉल्यूशन ड्यू होता है हम उसे करवाते हैं, और ये अच्छा प्रयास है कि पॉल्यूशन फ्री रहे हमारा स्टेट। बट एट द सेम टाइम जिस रिगर के साथ इसको एनफोर्स कर रहे हैं, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इन्हें अपग्रेड करना चाहिए। आप देखें अभी यहाँ से लेके वहाँ तक कम से कम 15 गाड़ियाँ खड़ी हैं, और तकरीबन मैं खुद 2.5 घंटे से घूम रहा हूँ, और आप एवरेज भी माने कि 2 घंटे से हर व्यक्ति खड़ा है तो 30 man-hours का लॉस है, और गाड़ी में बैठा व्यक्ति 30 man-hours में क्या क्या काम कर सकता है ये मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं। हम 3 दिन से परेशान हो रहे हैं, एक एक दो दो घंटा हमें अपना भी काम होता है और हम यहाँ परेशान होकर चले जाते हैं। अब मैं 3rd दिन आया हूँ, आप लाइन देखो मैं कितने पीछे, मेरी सबसे गाड़ी खड़ी है अभी। मैं सब जगह हो करके आ चुका हूँ, अभी मेरा मैं प्रीत विहार रहता हूँ, प्रीत विहार से मैं यहाँ पे आया हूँ, वहाँ पे देख के आया हूँ, वहाँ इससे भी ज़्यादा भीड़ है। आज मेरे को 3rd दिन हो रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे को अब देखो यहाँ कम से कम मुझे 2-2.5 घंटे लग जाएगी। पिछले साल फरवरी में दंगे के दौरान जाफराबाद इलाके में यमुना विहार मार्ग घोंडा चौक गली नंबर 8 के पास दंगाइयों की भीड़ ने पुलिस के वाहनों को नुकसान पहुंचाया था और पुलिस कर्मियों पर पथराव भी किया था। इस मामले में हेड कांस्टेबल सत्यपाल की शिकायत पर मुकदमा दर्ज हुआ था। वहीं दंगे के इस मामले में 2 भगोड़े आरोपितों को कड़कड़डुमा कोर्ट ने किसी तरह की राहत नहीं दी। आपको बता दें कि आरोपितों ने इस मामले में गलत फंसाने का आरोप लगाते हुए भगोड़ा घोषित करने के नोटिस को रद्द करने की मांग करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत के कोर्ट में पुनर्विचार अर्जी दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। बीते वर्ष नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में दंगे हुए थे, जिसमें कि कांस्टेबल हेड कांस्टेबल सत्यपाल की शिकायत पर एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें कि पुलिस पर पत्थर फेंकने का, आगजनी करने इत्यादि के आरोप थे, जिसमें कि 2 आरोपी हाजी इस्लाम और चांद बाबू सलमान अभी तक भगोड़े थे। पुलिस ने कई बार उन्हें गिरफ्तार करने का प्रयास किया लेकिन वो गिरफ्तार नहीं हुए। अल्टीमेटली पुलिस ने कोर्ट से उनके गैर जमानती वारंट इशू कराए और लास्ट में उनके खिलाफ भगोड़े की कार्रवाई शुरू कर दी गई। कल उन्होंने श्री अमिताभ रावत जी की अदालत में अपनी भगोड़े की कार्रवाई को रोकने और अग्रिम जमानत की याचिका को दायर किया। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनकर और मामले की गंभीरता को देखते हुए और जांच के लिए उनकी गिरफ्तारी को आवश्यक मानते हुए उनकी दोनों ही याचिका को खारिज कर दिया। दिल्ली में वैक्सीनेशन 2 करोड़ के करीब पहुंच रहा है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगवाने के लिए सेंटर्स पहुंच रहे हैं, लेकिन कल से वैक्सीनेशन की रफ्तार कुछ धीमी हुई है, ऐसा कहना है डॉक्टर्स का। उनका कहना है कि नवरात्र में ज़्यादातर लोग व्रत रखते हैं जिसके कारण वो वैक्सीन लगवाने नहीं आ रहे हैं, लेकिन नवरात्र खत्म होते ही फिर से वैक्सीनेशन की रफ्तार में तेजी आएगी। आपको बता दें कि नवरात्र के पहले जहाँ एक सेंटर में 500 से 600 लोगों को वैक्सीन लगाई जाती थी, वहीं इन सेंटर्स में लगभग पूरे दिन में 200 से 250 लोगों को वैक्सीन लग रही है। नहीं, वैक्सीन की कोई कमी नहीं है और डेली जो भी लोग आ रहे हैं उनको अच्छे से लगा के भेज रहे हैं। अभी शायद नवरात्रि की वजह से थोड़ा लोग फास्टिंग पे हैं तो थोड़े से कम आ रहे हैं, बट 500-600 तो लग ही जाते हैं। अभी दोनों मिक्स है, सेकेंड डोज वाले अभी ज़्यादा हैं, फर्स्ट डोज वाले शायद ये नवरात्रि की वजह से थोड़ा सा वेट कर, शायद इसके बाद लोग आएंगे क्योंकि वो फास्टिंग में हम लगा नहीं सकते, वैक्सीन अवॉइड करते हैं। अभी तो नवरात्रि की वजह से मतलब 40-50 लग पाती है क्योंकि, लेकिन नवरात्रि के बाद ये नवरात्रि से पहले हमारे हो जाते थे 100 से अबव, लेकिन अब फास्ट है लोगों का तो इस वजह से कम हो रहे हैं। नहीं, कोई दिक्कत नहीं आई थी, हल्का सा थोड़ा सा पेन था लेकिन वो 2-3 दिन में अपने आप धीरे धीरे ख़त्म हो गया था। नहीं, मैक्सिमम 30 मिनट्स लगते हैं, 30 से 40 मिनट्स इजीली नंबर आ जाता है और वेट भी नहीं करना पड़ता। सर, मैं तो करके आया था कि फर्स्ट डोज भी मैंने रजिस्टर करी थी, सेकंड भी कर ली थी, इजीली हो गई थी, कोई ऐसी कोई दिक्कत कोई परेशानी बिल्कुल नहीं हो रही।
श्री बालाजी रामलीला कमेटी ने सीबीडी ग्राउंड में भूमि पूजन किया। इस दौरान आयोजकों ने बताया कि 10 दिन की रामलीला को कोरोना खतरे को देखते हुए संपूर्ण रामायण को 3 दिन में करने का फैसला लिया गया है। उन्होंने बताया कि जो गाइडलाइन मिली है उसके अनुसार ही रामलीला का मंचन होगा। एंट्री गेट पर लोगों के लिए सैनिटाइजर और मास्क की व्यवस्था की गई है ताकि आने वाले लोग हाथ सैनिटाइज करके व मास्क लगाकर अंदर आएं। रामलीला पंडाल में 200 लोगों की बैठने की व्यवस्था भी की गई है। सभी लोग बैठकर ही रामलीला देख पाएंगे, खड़े होकर लीला देखने की अनुमति नहीं है। 3 दिनों में भगवान श्री राम के जन्म से लेकर रावण वध तक की लीला का आयोजन किया जाएगा। देखिए, सच्चाई तो यह है, जो अपनी योजना बनाई है श्री राम बालाजी रामलीला कमेटी ने, उसकी योजना के तहत ये हमने 3 दिन पूरा जो है रामलीला का मंचन करना है और भगवान जी के जन्म से लेके लंका दहन तक 3 पार्टों में हमने इसको लिया है ताकि 3-3 घंटे का जो मंच संचालन रहेगा और जो मंच का कार्यक्रम रहेगा, उस मंच के कार्यक्रम में सिर्फ और ये सिर्फ यही है कि जो मुख्य कहना चाहिए संस्कार देने वाले जो विषय हैं, ताकि बहुत बड़ी संख्या में युवा और बालक आएंगे और खास करके जो संस्कार का हमारा केंद्र है मातृशक्ति आएगी, तो वो उन मतलब रामलीला के मंचन से संस्कार लेके भी जाएं और उस संस्कार को जो है अपने परिवारों में जो है उसका विस्तार करें, ताकि युवा जो पीढ़ी है जिसको पता ही नहीं है प्रभु राम जी कौन थे, और बहुत बड़ी संख्या में जो है आज आवश्यकता है कि समाज में इस प्रकार के मंचों का होना अति आवश्यक है। जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, जो 2-2, 3-3 फुट की डिस्टेंस ने बिछाया, अपना सीटिंग अरेंजमेंट किया, बाहर गेट पे हमने सैनिटाइज मास्क उसका उपयोग किया हुआ है, और सारे हमारे जो भी होंगे यहाँ सिटिंग ही होगी, ना कोई स्टैंडिंग होगी और ना कोई इधर उधर कहीं। राम हमारे प्राण हैं, राम हमारे आदर्श है, राम हमारी आत्मा है। उस राम को जानना, यानी कि भगवान राम को जानना, अपनी संस्कृति अपने संस्कारों को जानना, रामलीलाओं का प्रारंभ किया और उसका सतत प्रवाह चलता आ रहा है कि इस रामलीलाओं के माध्यम से अपने जीवन चरित्र को कैसे जिया जाए, ये भगवान राम इसके आदर्श है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम भी पूरी सहायता करेगा, और बहुत ही पुरानी कमेटी है बालाजी कमेटी, पूरी दिल्ली में मशहूर है। जिस तरीके से व्यवस्थित तरीके से यहाँ रामलीला होती है, हर चीज़ का ध्यान रखा जाता है। लास्ट ईयर में जब यहाँ दशहरा देखने आई थी तो कोविड नियमों को पूरा ध्यान रखा गया था। पूरी मैनेजमेंट जो कमेटी है बहुत ही अच्छी तरीके से हर रूल रेगुलेशन के साथ यहाँ काम करती है। कोरोना के चलते हुए पूरी दिल्ली के अंदर जितने भी हमारे धार्मिक अनुष्ठान होते हैं और उनको इस बार हम लिमिटेड टाइम दे रहे DDM में, हम भी सहमत हैं, और अब जो भी टाइम मिलेगा हमारे को 3 दिन का, हम उस 3 दिन के अंदर ही जो राम की लीलाएं हैं उनका जो चित्रण है वो हम करेंगे। हम रामलीला इसलिए करते हैं कि जो हिंदू धर्म के हिसाब से हमारे भगवान राम कौन थे, भगवान लक्ष्मण कौन थे, माता सीता कौन थी, भरत कौन थे, उनके आदर्श क्या थे, बेटे के प्रति उनका फ़र्ज़ क्या था, बाप के प्रति उनका फ़र्ज़ क्या था, राजा के प्रति उनका फ़र्ज़ क्या था, ये बताने के लिए हम रामलीला करते हैं। श्री बालाजी रामलीला जो पूर्वी दिल्ली की सबसे पुरानी रामलीला है, 3 दिन का मंचन करने जा रही है। सभी भक्तजनों की शुभकामनाओं से, सभी बालाजी महाराज के आशीर्वाद से ये मंचन होने जा रहा है। कोरोना काल के बाद भगवान श्री राम की लीला का मंचन बड़े शुभकामनाओं की, बड़े बधाई की बात है, और ये जो मंचन पूरे विश्व भर में लाखों स्थानों पर होता है, भगवान राम का चरित्र क्या था, उनका पूरा जीवन क्या था, उसका अनुसरण करने से ही पूरी दुनिया का उद्धार हो सकता है। कड़कड़डूमा कोर्ट के संविदा कर्मचारियों को बीते 3 महीने से कोई वेतन नहीं मिला है। कर्मचारियों का कहना है कि बीते कई दिनों से वे अधिकारियों के पास जाकर वेतन ना मिलने की बात कह रहे हैं, पर कोई भी उनकी बात नहीं सुन रहा है। उनका कहना है कि 3 महीने से वेतन ना मिलने से घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया। कई बार ठेकेदार को भी वेतन ना मिलने की बात कही, पर कोई भी नतीजा नहीं निकला है। समस्या मैम हमारे साथ में ये है कि हमें जो है ना तो कभी टाइम से सैलरी मिलती है, ना कोई हमारे लिए बोनस है, ना कोई जो साल में जो सुविधाएं दी जाती है सरकार की तरफ से ना वो है, और अब हमें लगभग 2 महीने से ऊपर का टाइम होगा आज तक हमें सैलरी नहीं मिली। संबंधित अधिकारियों के पास जाते हैं, उनको लिखित में शिकायत देते हैं, वो हमारी जो शिकायत है उसको रिसीव नहीं करते हैं। जाता हूँ अफसरों के पास सैलरी के लिए जाता हूँ, तो कहते हैं हाँ करा रहे हैं, 2 महीने से ऊपर सैलरी हो गई, सैलरी नहीं आ रही है, कोई भी चीज़ हमें मिलती नहीं है, ना बोनस मिला आज तक। दिल्ली सरकार का 3 साल से ऊपर हो गया बोनस के बारे में बोलते हुए, पर हमें आज तक बोनस मिला ही नहीं है। एक्सन साहब के पास गए, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं ली। SC साहब के पास हम गए, SC साहब ने हमारे सामने खुद फ़ोन पर बात करी 15 से 20 मिनट तक, पर उन्होंने एक्सन साहब ने हमारी का बात का कोई जवाब नहीं मिला। जब SC साहब ने कहा तब भी उन्होंने हमारी कोई
बोनस के बारे में नहीं बताया हमें जी। घर चलाने में हमें काफ़ी परेशानी होती है, बीवी बच्चे हम किराए पे रहते हैं जी, किराए आते हैं। कोरोना में भी हमने जी ड्यूटी करी है, किराए पे आए हम। अब बताइए हम अपना घर बार कैसे चलाएं, हमारे बीवी बच्चे हैं छोटे जी। बताइए आप जो तीन तीन महीने मकान मालिक कहता है कि घर से निकाल देंगे, हमें टाइम पे किराया चाहिए। बताइए कोई दूर से आ रहा, कोई हापुड़ से, कोई मेरठ से, कोई कहीं से आ रहा है जी। राजेंद्र पाल एडवोकेट, ये कर्मचारी काफ़ी लंबे समय से जो है कोर्ट में काम कर रहे हैं। कोई लिफ्ट मैन है, कोई बिजली का काम करता है, कोई स्वीपर है, किसी चीज़ का काम करता है, ये सारी पूरी कड़कड़ूमा कोर्ट के, चैम्बर ब्लॉक हो या जुडिशल ब्लॉक हो या रेजिडेंशियल ब्लॉक हो जजों का, यही सारे लोग सारी चीज़ों की व्यवस्था देखते हैं और संभालते हैं। ये इसमें दिल्ली सरकार PWD के जो कड़कड़ूमा कोर्ट में जो एम्प्लॉई हैं, JE है, AE है और एक्शन है प्रॉपरली जो कड़कड़ूमा कोर्ट में, ये लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इन लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं। इनका बोनस खा चुके हैं वो पिछला, और आगे भी जो इनके पैसे हैं वो नहीं दे रहे हैं। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के द्वारा निगम क्षेत्राधिकार में स्थित पार्कों की देखभाल का जिम्मा अब RWA को दिया गया है। वहीं RWA ने इस फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि हम खराब हुए पार्कों का दोबारा से सौंदर्यीकरण कराएंगे, उन्हें फिर से बैठने योग्य बनाएंगे, पार्कों में नए पौधे लगाए जाएंगे और साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। मेरे को लगता है ये बहुत अच्छा कदम है जो ईस्ट MCD की द्वारा उठाया जा रहा है। अभी जो जानकारी मिली है कि 2 रुपये 14 पैसे प्रति वर्ग मीटर, इस हिसाब से MCD जो है वो RWA को फंड देगी और उस फंड से RWA उन पार्कों का रख रखाव कर पाएगी। मेरे को लगता है जिस प्रकार से लगातार काफ़ी समय से हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में कर्मचारियों की भी कमी है और बहुत सारी परेशानियां हैं, और अगर RWA को इस तरह का सहयोग मिलता है, MCD से ये फंड मिलता है, तो निश्चित ही उसमें एक सराहनीय कार्य होगा। 10 साल से मैं रानी गार्डन RWA का चेयरमैन हूँ, तो उसमें 10 साल से हमने तो कुछ देखा नहीं आज तक RWA को किसी ने कुछ दिया हो, खाली हाथ है सबके। और बाकी आप बात कर रहे हो कि ये लोग दे रहे हैं, तो आगे चल के देखते हैं फिर ये क्या देते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर हमें फंड मिलेगा तो हम करके दिखाएंगे, बिल्कुल करके दिखाएंगे। क्योंकि RWA के अब जितने भी कर्मचारी हैं वो है सब प्राइवेट, उस पर आ जाएंगे, तो हमारे पार्कों की देख रेख है, वो है सब कुछ है, बहुत अच्छे से हो पाएगा। हमारे जनता को, हमारे आसपास के लोगों को एक बहुत अच्छा मैसेज जाता है कि RWA की जो पार्क हमारे दिए गए हैं, पहले कुछ चीज़ों में एक जब हम किसी चीज़ को बांट देते हैं तो वह कार्य सुचारू रूप से होता है। आज ये RWA को जो दिया गया है पार्कों का सारा देख रेख का कार्य है, पर्सनल जब दिया गया है तो इसकी देख रेख और उसमें हमें बहुत सुधार मिलेगा। ड्राइविंग टेस्ट के लिए अब लोगों को घंटों इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक क्यू मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा जल्द ही टोकन के जरिए ड्राइविंग टेस्ट लिया जाएगा, जिससे साइट पर लंबी लाइनें नहीं लगेंगी। रिपोर्टिंग टाइम के अंदर ही 90 मिनट के अंदर ही टेस्ट लेना अनिवार्य हो जाएगा। इस पर जब हमारी संवाददाता सोनिया शर्मा ने लोगों से बात की तो उनका कहना है कि ड्राइविंग टेस्ट के लिए अभी घंटों इंतजार करना पड़ता है, जब ड्राइविंग टेस्ट के लिए जब टोकन सिस्टम हो जाएगा तब लोगों को काफ़ी सहूलियत मिल जाएगी। मैं 2-व्हीलर लाइसेंस के लिए आया था, मैं सुबह 8 बजे यहाँ पे आया हुआ था, मेरा 8:30 से 9:30 के बीच में टाइम स्लॉट था 2-व्हीलर लाइसेंस का। अच्छा। पर अभी लगभग पूरे एक बज चुके हैं और अभी तक मेरा नंबर नहीं आया, पता नहीं सुबह से कह रहे सर्वर डाउन था, फिर ये 4-व्हीलर वाले आ गए, पीछे वाले आगे ले गए। मैंने सबसे मतलब लगभग जल्दी में मैंने अपना पर्चा दिया था, मतलब वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म, मेरा अभी तक नंबर नहीं आया, मैसेज आ चुका है, कह रहे लंच हो गया, पास हो गए, दोबारा रीटेस्ट दिया है, अभी गया था पहले तो उसमें फेल हो गया था, दोबारा दिया, पास हो गया उसमें। हाँ जी हाँ जी, सुबह 10 बजे के खड़े हुए हम लाइन में, कम से कम 40 गाड़ी खड़ी हुई है, अब जाके नंबर आया 4 घंटे में, और अभी भी फ्रेंड भी आया था साथ में, उसका भी आधे 1 घंटे बाद नंबर आएगा। टाइमिंग के हिसाब से कुछ नहीं है, टाइमिंग चाहे 8 बजे की भी होगी तब भी नंबर 12 बजे आएगा, टाइमिंग के हिसाब से कुछ नहीं है, खड़े रहो यहाँ पे, नौकरी वोकरी वाले आदमी हैं उनका तो सारा दिन खराब हो जाएगा, सब ऑटोमेटिक हो जाएगा, तो फिर सही है, मशीनों से अपना आप तेजी में करेंगी, ये तो आराम आराम से करते रहते हैं अपना, मना है इनका तो कभी लंच कर लिया, फ़ायदेमंद होगा। टोकन नंबर, सबसे पहले टोकन नंबर बटेगा तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं होगी, टोकन से कुछ होता ही नहीं यहाँ पे। पहले भी जैसे मैंने अभी 3 साल पहले बनवाया था मैंने अपना लाइसेंस, तब भी ऐसा ही सिस्टम था, अब बस ये है कि आपको जैसे फॉर्म वगैरह पहले ऑफलाइन भरे जाते तब वो ऑनलाइन भर देते हैं बस। हाँ ऑटोमेटिक होगा तो ज़्यादा सही रहेगा, मतलब जैसे सीक्वेंस में सब आए, टोकन वगैरह भी नहीं है यहाँ पर कोई सिस्टम, जैसे मयूर विहार वगैरह में बताते कि वहाँ पर टोकन का सिस्टम है तो सुबह टोकन बढ़ जाते हैं वेटिंग करने के लिए, फिर ऐसा नहीं है ना कि आपको वेट करना, जैसे अभी कोई लाइन में खड़ा हुआ था वो अपनी गाड़ी में नहीं था, बाइक का टेस्ट देने गया था तो पीछे से आके सब चले गए, अगर टोकन होता तो सबका एक एक करके ही नंबर आता। मैम सबसे पहले तो ये बहुत डिले कर रहे हैं, बहुत वेटिंग टाइम है, मैं जैसे सुबह 9 बजे का आया हुआ हूँ, पहले मेरा बाइक टेस्ट हुआ और अब जाके मेरा 12:30 बजे गाड़ी का नंबर आया है, बिठा देते हैं, बहुत टाइम थोड़ा लेट है, मतलब
मेनली पहले एक वीडियो दिखाते हैं अपनी इस ट्रैक पे कि ऐसे ऐसे ट्रैक देना है, ट्रैक पे टेस्ट देना है, बस और कुछ नहीं, बस अगर पास हो जाए तो ठीक वरना दोबारा टेस्ट देना है। पूर्वी दिल्ली के शकरपुर मेन रोड पर नाली जाम होने से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने कहा कि बारिश के दौरान ये नालियां जाम हो जाती हैं। नाली जाम होने के कारण सड़कों पर नालियों का पानी बह रहा है। कई बार इस समस्या को क्षेत्रीय नेताओं के सामने उठाया गया पर अभी तक कोई भी समाधान नहीं निकला है। हमें ये दिक्कत है कि इसका शकरपुर का पानी नहीं निकल रहा। अच्छा। और जो है पानी इन्होंने शकरपुर का निकालने की जगह शकरपुर में से ही दिया, मोड़ दिया, और मोड़ने के बाद में ये पानी यहीं के यहीं, ये जो है लेटरिन का पाइप है। अच्छा। ये लेटरिन का पाइप भी नाले के ऊपर को दे दिया, इसका भी कोई समाधान नहीं करा। ये दिक्कत है, कोई सफाई नहीं है, बहुत कूड़ा है, कोई नाले वाले नहीं आते, ना कोई झाड़ू लगाने वाला आता, कूड़ा यहाँ पड़ा रहता है, खाते भी नहीं है, कोई सुनाई नहीं है, सुनना ही नहीं है उनको। ठीक है जी, हो जाएगा, ठीक है हो जाएगा। दिक्कत ये है, जब से ये नई सड़क ये बनाई है और आप नालों की हालत देख रहे हैं, नाले कैसे भरे पड़े हैं, इसका पानी निकल ही नहीं रहा है। पानी इतना ही ओवरफुल हो रहा है, ना सफाई करने वाले आते, इसके नालों की सफाई नहीं होती, इसकी निकासी नहीं कर रखी है। वो उधर से मोड़ दे रखा, पानी यहीं के यहीं घूमता है या बीच में आगे कट है। गोयल हॉस्पिटल एंड यूरोलॉजी सेंटर्स की सुपर स्पेशलिटी विंग का उद्घाटन 1008 स्वामी अवधूत बाबा ने किया। इस दौरान गोयल हॉस्पिटल के ऑनर ने बताया कि हॉस्पिटल की सुपर स्पेशलिटी विंग यूरोलॉजी, कैंसर थेरेपी, आर्थोपेडिक्स, स्पोर्ट्स इंजरी समेत तमाम सुविधा का लाभ अब यहाँ पर मिल पाएगा। हमारा एम ये है कि जो भी हाईटेक सुविधाएं अफोर्डेबल कॉस्ट पर दें, तो इसमें हमने सुविधाएं दिया, सबसे पहले दिया कैंसर सर्जरी, कैंसर से संबंधित रेडियोथेरेपी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, कीमोथेरेपी, फिर हार्ट से संबंधित जितनी भी हैं इलाज, चाहे वो टेस्ट हो, DMT हो, इको हो, PFT हो, ECG हो, होल्टर हो, या उसके लिए एंजियोप्लास्टी के लिए जो भी करना है, या उसके लिए जो भी टेस्ट और इलाज है वो है। फिर इसके बाद जो जितने भी नी है या ऑर्थोपेडिक्स रिप्लेसमेंट और इसमें भी हिप रिप्लेसमेंट में सारी सर्जरी होंगी एडवांस्ड। चौथा है हमारा न्यूरोलॉजिकल या न्यूरोसर्जिकल और अल्कोहल विड्रॉल के लिए भी ट्रीटमेंट है। न्यूरो का दिखाना है या और ऐसी बीमारियां या स्पोर्ट्स इंजरी हो गई तो उसके लिए मैक्स हॉस्पिटल जाना पड़ता था, जो कि यहाँ से दूर पड़ता है, खास आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे समय में ये यहाँ सेंटर खुला है जहाँ कि आपके टेस्ट भी होंगे, आपकी सेहत के बारे में बताया जाएगा और प्लस जो स्पेशलाइज इलाज है अलग अलग तरीके के वो भी होंगे, तो एक अच्छा एक हॉस्पिटल अब किशनगर को मिल गया है। तो पूर्वी दिल्ली खास में मेरे साथ इतना ही, आगे की खबरों के लिए बने रहिए CCN के साथ। नमस्कार।